तो गाइज ऋतिक रोशन और प्रभास वाली फिल्म से एक बैड न्यूज निकल के सामने आया है जिसको सुन के आपका मूड खराब होने वाला है और आप बोलोगे तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। तो क्या न्यूज आया है और क्या है अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही ऋतिक रोशन के फिल्म के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं, आज के दिन हैदराबाद निकल चुके हैं ऋतिक रोशन अपनी फिल्म फाइटर के शूटिंग के लिए। और आप लोग जानते हो ऋतिक रोशन और प्रभास की एक फिल्म आने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूस करेंगे मैत्री मूवी के प्रोड्यूसर। कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का प्रोड्यूसर के साथ फोटो भी सामने आया था। फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी अभी अपडेट आया है या कहो रूमर्स आया है। आपको बता दूं दोस्तों, ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि दोस्तों अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों खबरों की माने तो ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को भी मना कर दिया है। और दोस्तों जिसने ये अपडेट दिया है उसने बोला है कि ये 100% कन्फर्म अपडेट है। ऑफिशियली अपडेट तो कुछ दिन बाद ही आएगा। अभी दोस्तों आप लोग मान के चलो ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को भी मना कर दिया है। बात करें दोस्तों क्यों ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को मना कर दिया, आपको बता दूं बिजी शेड्यूल के कारण ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को मना किया है। और ऋतिक रोशन का अब 3 फिल्म लाइनअप में है, फाइटर फिल्म, वॉर 2 और क्रिश 4। फिलहाल दोस्तों ये रूमर्स है, ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। आगे कुछ भी इसको लेकर अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आपको इस बारे में क्या कहना है, ऋतिक रोशन ने सही किया या गलत किया, लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही ऋतिक रोशन के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।